हेलो फ्रेंड, निशा अग्रवाल आपके सामने एक अनोखी चीज़ लेकर आई है जो बहुत ही अजीब चीज़ है, जो आपको देखने में कुछ अलग ही लग रहा होगा। देखिए ये पूरी तरह, ये इमली है। एक्चुअली इसको जब हम काटते हैं तो अंदर से वाइट कलर की इमली निकलती है, और ये शायद मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा कि ऐसी इमली होती है। शायद आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी देखा है, लेकिन जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। इंदौर से 2.5 घंटे का रास्ता है मांडू, और ये वहाँ पे पेड़ होते हैं उनके, और वहाँ पे ये पाई जाती है। और इसमें से है ना, जब हम इनको काटते हैं तो उसमें से इस तरह की, देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस तरह की ये इमली पाई जाती है, और ये खट्टी मीठी दोनों होती है, और ये बहुत ही अनोखी है इमली। हमने अलग अलग तरीके की देखी, लेकिन इस तरह की नहीं देखी, और ये वहाँ पे ही पाई जाती है और कहीं नहीं मिलती है, मांडू में ही। तो आप अगर इंदौर की साइड जाओ तो मांडू ज़रूर जाइएगा, और ये अनोखी एक जो चीज़ है इसे लीजिएगा और चख के देखिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसको काटेंगे तो इसमें से ऐसे वाइट कलर का ये निकलेगी इमली, और वहाँ पे बहुत ही सस्ती भी मिलती है, बहुत ही अच्छी है ये, और कहीं नहीं पाई जाती है ये चीज़। देखने में और सुनने में भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन ये रियल है। मैं भी थोड़े टाइम पहले ही गई थी वहाँ मांडू, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी, तो मैं भी सोची ये इमली थोड़ी है, और इतनी बड़ी कोई इमली थोड़ी होती है। फिर उन्होंने मुझे बताया, सब मुझे डिटेल दी, वही डिटेल मैं आपके सामने ये बता रही हूँ। तो आप ज़रूर जाइए और वहाँ का थोड़ा ये अनोखी चीज़ चखिए। ठीक है, धन्यवाद।